Woman is incomplete without jewelry, and it's a beautiful, you know, beautiful collaboration of models and the diamond jewelry. So it's beautiful. Pictures are beautiful, and the photographer like really nice job. And that's it. It's a nice calendar, and everyone would love to, you know, keep it in their office or on the, at their home. So it's nice. So what do you want to say about the confidence which two models have and the photographer? I'm also an actor and model, so I can say it really takes a lot of, you know, guts and confidence to pose in such a way, in such clothes. So really nice, great job, I would say. राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि था हमारे लिए, क्योंकि जब मैं गोयल साहब से मिला और हमने एक प्लान किया कि पहली बार हम थाईलैंड में शूट करने जा रहे थे और उसमें फिर डायमंड को दिखाना था, मगर हमने मानस जी का साथ, हमारा क्रिएटिव हेड का साथ बैठे और पूरा एक टीम उसके पीछे काम किया और आगे आपके पास है अभी। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक्चुअली ये राजेश जी का ही आइडिया था, इसको इनका मेरे पास कॉल आया कि हम शूट करना चाहते हैं फुकेट में, पताया में और बैंकॉक में। मैंने बोला ठीक है, ओके करते हैं, बट उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी जो हमें जूली लेकर जाने के लिए करनी थी, वो हमने की, वो काफ़ी टफ था, वहाँ से परमिशन लेनी थी। तो आइडिया इनका ही था और इन्होंने बहुत अच्छे से किया इसको, बट इसमें गोयल साहब बहुत हेल्प, हम लोग जितना स्ट्रगल कर रहे थे उसमें बहुत सारा हुआ, आज फिर फाइनली इट्स आउटपुट आपके सामने ही है। कोलैबोरेशन कैसे हुआ सबसे पहले तो ये बताइए। बस ये मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इनसे बात हुई तो कहते हैं कि करते हैं हम कुछ, तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं अपना एक कैलेंडर लॉन्च करूँ। लास्ट ईयर मैंने गुड़गांव में लॉन्च किया था, तो मेरा था कि मैं मुंबई में इसको लॉन्च करूँ, क्योंकि ये डायमंड हब है इंडिया से, मुंबई से 95% डायमंड सब अब्रॉड जाता है, तो मुझे था कि मैं बिंग फ्रॉम चंडीगढ़ कि मैं मुंबई में इसको लॉन्च करूँ। क्योंकि कैलेंडर का नाम लाइफस्टाइल है, जिया डायमंड किस तरह की लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करती है और फॉलो करती है? जिया डायमंड हर तरह के, लाइक वी आर इनटू गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड, तो लाइफस्टाइल में क्लोथिंग आती है और ज्वेलरी आती है, तो हम हर तरह की ज्वेलरी रखते हैं। शिवानी मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लाइफस्टाइल को फॉलो करना पसंद करते हैं, और थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि I believe in simple and classy, like you can look at me right now, just simple and classy. So the jewelry is, it's very elegant and simple and classy, and they have variety, like main 4-5 saal se Jia Diamond se judi hui hu, so I know inki har collection pe main jab bhi launch hota hai, Bollywood actors aate hain aur main wahan present hoti hu aur main har tarah ke designs dekhti hu. So diamond ki baat kare to very elegant, and gold jewelry ki baat kare so the heavy jewelry jo ek, you know, ek ladki ek bride जिसको पहन के बहुत खुश होती है, दैट इज ऑल्सो देयर, सो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट मी, दैट इज सिंपल एंड क्लासिक। किसी ने कुछ स्पेशल अगर कुछ शेयर करना चाहे तो उस बार, किस बारे में? डायमंड ज्वेलरी, एनीथिंग। It's precious, it's like forever, so that's it. Okay, so सर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने करना पसंद करते हैं, जैसे हमने देखा कि आप जितने भी वेब सीरीज और फिल्म्स में काम कर रहे हैं, सारी एक से बढ़कर एक और सबसे अलग होती है एक दूसरे से, क्या कहेंगे सर उस पर, कितना फोकस करते हैं और लाइफस्टाइल से कैसे? लाइफस्टाइल तो हम बॉलीवुड से बात कर रहे हैं, बॉलीवुड लाइफस्टाइल सिखाता है, और जिया डायमंड के बारे में बात करें, हीरा हीरा है, तो आज हम हीरे के बात कर रहे हैं और एक अच्छे ब्रांड, उभरती हुई ब्रांड के बात कर रहे हैं, और उसी को हम पोट्रे करने चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल्स का हिसाब से है ये, कि ये लाइफस्टाइल को एक अलग जोन देखें। सरबजीत 2016 में आई थी, उसके बाद रिसेंटली मेरी एक और फिल्म आई है जो आपने मिस कर दी, दैट्स अ हॉलीवुड फिल्म, अभी 2-3 महीने पहले आई थी, जिसका नाम है 5 Weddings, उसमें मैंने नरगिस फाकरी एंड राजकुमार राव जी के साथ काम किया। सो अभी और प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, आई विल रिवील वेरी सून। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। मैंने इसके पहले मैंने सुना था इस फोटोशूट के बारे में, एंड जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये कैलेंडर देखने के बाद। ये सारे शूट जो हुए हैं सारे सिंगल लोकेशन में हुए हैं, तो कोई देख करके कह नहीं सकता कि ये सिंगल लोकेशन के शूट हैं। तो कई फोटोग्राफ्स ऐसी भी हैं जो इन्होंने इतनी मेहनत करके रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे, सुबह के 4 बजे शूट किए हैं। तो देखने के बाद अगर मैं इस कैलेंडर को देखूँ तो आई वुड जस्ट हैव अ वन वर्ड फॉर दिस कैलेंडर, इट्स वर्ल्ड क्लास फॉर मी, मतलब
काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। अब दोनों मॉडल से जाना चाहूँगा जिन्होंने इस कैलेंडर में चार। इट्स वॉज नाइस वर्क टुगेदर लाइक ऑलवेज एंड व्हेन वी शूटिंग लाइक पटाया सो वी ऑलवेज लाइक व्हेन वी आर डूइंग शूट and we always doing fun all the time that's it थी खूबसूरत एक्सपीरियंस रही। वैसे देखा जाए तो डायमंड बहुत ही प्रिसियस होता है और डायमंड ज्वेलरी आज तक कभी भी ऐसा आउटडोर और इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ था कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम बिकनी के साथ, नाइटवेयर के साथ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉस्ट्यूम के साथ हम एक्सप्लोर किए हुए हैं। बट आज तक आप सब ने देखा होगा कि डायमंड बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है, तो वेडिंग वेयर या समथिंग एक्सक्लूसिव होता है, तो ये हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज हमने ये लाइफस्टाइल दिखाया है, डायमंड इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर द वेडिंग और समथिंग ट्रेडिशनल के लिए। तो हम जब लाइफस्टाइल बोलते हैं, डायमंड को हम हर तरीके के कपड़ों के साथ पहन सकते हैं, मतलब आप देख भी सकते हैं इसमें बिकनी भी है, वेस्टर्न वेयर भी है, तो सब कुछ है। तो हम एक कम्प्लीट कॉम्बिनेशन में लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कुछ नया लोग जैसे महसूस कर पाए कि डायमंड इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर द वेडिंग टाइम आया तो हम निकाल के अपनी अंगूठी पहने या इयर रिंग पहने। डायमंड आप किसी भी टाइम में किसी भी ड्रेस के साथ आप पहन सकते हो और जो आपकी लाइफस्टाइल को एक डिफरेंट वे में दिखा सके। आप कुछ पहने ना पहने डायमंड जरूर डेफिनेटली आज भी मैं पहन के आई हुई हूँ जैसे जिया डायमंड प्रेजेंट्स। ओके ऋषान, आने से पहले आप पूछ रहे थे कि वो आई वांटेड टू आस्क यू दैट जिया डायमंड की बात चल रही है, क्या आपने किसी को स्पेशल डायमंड गिफ्ट किया है? हाँ किया तो नहीं लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा ये देखने के बाद। ओके किसको गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं और क्या क्वालिटीज देख रहे हैं? अगर आगे वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, हाँ परसों के लिए प्रिपेयर कर। हाँ नहीं वैलेंटाइन डे आ रहा है और इसके पहले मेरा बर्थडे भी निकल गया तो मैं सोच रहा हूँ पहले ले लूँ उसके बाद फिर मैं गिफ्ट, हाँ फिर मैं आगे गिफ्ट करने का फिर सोचूंगा मैं। अनुपमा जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप? वो मेरी तरफ देख रही है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई गिफ्ट करे। ओके जैसे मैम को पूछा था मैंने, पटाया का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोलैबोरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो जिया डायमंड के साथ और 24 अप के साथ आपने किया? लाइक हमेशा मैं काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, हमेशा मैं काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, बट ये डिफरेंट मेरे लिए है कैलेंडर शूट क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग विद जिया डायमंड शूट, सो इट्स वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद मी एंड ऑलवेज गुड। ओके जैसे हमने फोटोज में देख रहे हैं और आप लोगों के मतलब बहुत सारे बिहाइंड द सीन भी देखे हैं हमने, बहुत इंजॉय किया था आपने, तो ऐसी कोई याद है जो आप शेयर करना चाहें, कोई फन मेमोरी अगर शेयर करें आप? ऐसी बहुत सारी यादें मैं बताते बताते मतलब पूरा आराम निकल जाएगा। ओके लास्टली जाते जाते आप तीनों से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जानना चाहूंगा, क्या होने वाला है नेक्स्ट आप लोगों के लिए? वेल आई एम इन टॉक्स विद वन वेब सीरीज एंड अ फिल्म आई हैव ऑलरेडी साइंड, इट्स शूट लंदन में होने वाला है, उसका 15 दिन का शूट है लंदन में। नियाज अंसारी इसके प्रोड्यूसर हैं एंड मनी रेस फिल्म का नाम है, अब्बास मस्तान के एसोसिएट डायरेक्टर ने फिल्म लिखी है एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी 3-4 महीने लंदन में शूट है, सो आई एम गोना मिस इंडिया, ऑलरेडी मिसिंग इट सो। एंड जाते जाते डायमंड्स के बारे में मेरे दिमाग में एक बात आई जब आपने मुझे सवाल पूछा कि आप किसको देना चाहेंगे, तो जो भी डायमंड से जुड़े जो लोग हैं यहाँ पर हैं जिनका ये ब्रांड है सरकार राजेश जी ने शूट किया है, आई बिलीव डायमंड इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ, राइट? मतलब हम डायमंड को एक स्पेशल नज़र से देखते हैं हमेशा कि एक बहुत प्रेशियस चीज़ है, तो डायमंड हमेशा एक प्रेशियस हमारी लाइफ में जो भी इंसान हो उसे हम ज़रूर गिफ्ट करना चाहेंगे एंड देना भी चाहिए, आप सभी को देना चाहिए, और दैट्स माय वर्डिक्ट फॉर द डे फॉर द डायमंड्स। सर देखिए सीजन की अहमियत तभी है जब सारे सीजन हो, तो एक सीजन पे अगर मैं टारगेट करूंगा तो दूसरा सीजन बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए मुझे सारे सीजन पसंद है। नहीं दोनों सीजन एक साथ भी है। हाँ तो उसमें क्लैश है तो वो छोड़ के मुझे बाकी सोलो वाले सारे पसंद है। जैसे कि मेरी अंतर्ध्वनि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और फेस्टिवल्स में जा रही है और रिसेंटली मैं Z5 के साथ वेब सीरीज करने वाली हूँ और बाकी कुछ भी होगा, ऑलरेडी मेरी 3-4 शॉर्ट फिल्म भी आ चुकी है और नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, जब भी होगा तो मैं आप सबके सामने डेफिनेटली रिवील करूँगी।
अंतर होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. एक्चुअली आई डन तमिल मूवीज एंड आई ऑलरेडी डन हिंदी मूवीज एंड लाइक अभी मैं G5 के साथ भी काम कर रही हूँ, तो अब धीरे धीरे काम चल ही रहा है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू सो मच. सी एक्चुअली ये कैलेंडर आप गौर से देखोगे, जो लाइफस्टाइल नाम है क्यों मतलब रखा गया है इसका, अब हर एक इमेज में देखेंगे एक फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा आपको. एक लेडी, एक वोमेन, एक मॉडल, जो भी है एक औरत की हर एक मूवमेंट का एक एक फ्रीजिंग मूवमेंट मिलेगा आपको, पॉइंट मिलेगा. हर एक फोटोग्राफ्स के अंदर एक स्टोरी है. हर एक स्टोरी के अंदर दैट मे बी ए लेस्बियनिज्म स्टोरी, दैट मे बी ए एरोटिक स्टोरी, दैट मे बी ए इमोशनल स्टोरी, दैट मे बी ए सैड स्टोरी. अब देखिए सब में एक एक स्टोरी है और उसके साथ जिया डायमंड है. तो मैंने ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट इसीलिए चूज किया कि नॉर्मली क्या होता है कि डायमंड जो होता है बहुत ही प्रेसिस होता है और वो ह्यूमन इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है, चाहे वो खुशी का पल हो या चाहे गम का पल हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन का पल क्यों ना हो, लेकिन डायमंड जो होता है हमेशा ही जुड़ा रहता है एक इमोशंस के साथ. तो इसीलिए मैंने इसका नाम लाइफस्टाइल रखा और बाकी जो है आपके सामने ही है, लेकिन हर एक इमेज के अंदर एक एक स्टोरी है और एक एक फ्रीजिंग मोमेंट्स है. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. मुझे पहली बार लगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब एंजॉय ही कर रहा हूँ और वो एंजॉयमेंट के अंदर ही काम हमारा निकल रहा है. मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया. किसी ने बहुत परेशान किया? एक्चुअली किसी ने भी नहीं किया, मैं बहुत ही एंजॉय किया. एक्चुअली काम जो हो रहा था हमारा बहुत ही नॉर्मल वे से हो रहा था. सुबह का हम टिफिन वगैरह स्नैक्स वगैरह लेके चाय वाय लेके फिर काम करते, फिर खाना रेडी हो जाता तो फिर खाना खा लेते, फिर थोड़ा आराम करते, फिर काम. ऐसे मेरा कुछ शॉर्ट्स है जो कि रात को 3-4 बजे शूट हुआ. मूड के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर हमारा मूड है ऐसा तो उसका एग्जैक्ट टाइम जोन को लेना पड़ेगा हमें. तो इस चक्कर में हमने कुछ शॉर्ट्स हमने और बहुत ही यूनिक वे में किया. एक्सपीरियंस अलग ही था इसका. क्या एक्चुअली देखा जाए तो मैं पहली बार देखा कि बहुत कम टेक में काम मेरा हो रहा है सही में, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं स्टोरी के अंदर काम कर रहा था. मैं इनको भी सारा एक स्टोरी वाइज बताया कि ये देखो ये है थीम और थीम के हिसाब से आप रोल प्ले करो, सिर्फ करते जाओ, एंगल्स की छोड़ लो, मैं ही कर लूँगा उसका. तो ऐसे ही मतलब पता ही नहीं चला कि काम हो रहा है, ऐसे ही ऐसे स्टोरी के अंदर दोनों किरदार निभाते रहे और मेरा काम होता रहा. अच्छा, इन दोनों के बारे में आपको पूछ लिया, इन दोनों को पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा मानव जी के साथ. मानस जी के साथ तो मैं आज काम नहीं कर रही हूँ, पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और उनके साथ मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. और वो क्या चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैं उनको बता देती हूँ आपको ये चाहिए, तो मैं एक्सप्रेशन दे ही देती हूँ तो वो सेटिस्फाई हो जाते थे. तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी कि मानस जी को क्या चाहिए और मुझे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं. मैंने मानस जी के साथ फर्स्ट टाइम काम किया है बट मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, कि अगर मुझे एक्सप्रेशन नहीं आया तो ही विल टीच मी एवरीवेयर, लाइक ये करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, हमेशा मतलब लाइक सपोर्ट देते हुए खड़े रहे हमेशा. ओके, अच्छा रहा काफ़ी, बहुत ही नाइस पर्सन है, स्वीट, मोस्टली स्वीट, बहुत बहुत स्वीट पर्सन है. बुरी बात यह है कि अगर आप अपना बेस्ट नहीं देते तो ऑफकोर्स सामने वाले को तो गुस्सा आएगा ही आएगा. तो वी आर डूइंग लाइक बेस्ट थिंग और कभी कुछ मतलब एक्सप्रेशन नहीं आता या कुछ नहीं होता तो ऑफकोर्स हो जाती है गड़बड़. तो एक टाइम पे इंसान को एक लेवल हाई हो जाता है. बट अच्छा था काफ़ी एक्सपीरियंस. बट अच्छी चीज़ हमेशा ही हमेशा हंसते रहते हैं, कभी भी मैंने इनको नाराज़ होते नहीं, बस वर्क के टाइम पर ही ये थोड़ा सा हो जाते हैं कि कभी नहीं मतलब लाइक समटाइम्स. अच्छी बात ये है कि मैं मानस जी को कुछ भी बोलती हूँ, अगर मैं अपनी कुछ आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, जैसे हम कभी भी कहीं पे भी शूट पे जाते हैं, बैंकॉक मेरा पहला अब्रॉड शूट नहीं था, इससे पहले मैं मालदीव्स भी गई हुई थी, तो मैं उनको अगर कुछ अपना आइडिया सजेस्ट करती हूँ तो वो बहुत ईजीली एक्सेप्ट करते हैं, नहीं बोलते हैं कि तुम मॉडल हो तुम मेरी बात मान के काम करो. और बुरी बात ये भी है, सारी बात मान भी लेते हैं. मैं बताऊँ क्या बात है, अभी तक मैंने सिर्फ अच्छी ही देखा, बुरी कुछ देखा ही नहीं एक्चुअली में सही में. लेकिन ये जैसा है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है, थोड़ा गुस्सा कर लेती है, लेकिन मैं फिर बाद में देखते हैं कि वो एक्चुअली वो सही था,
अगर वो नहीं होता तो फिर गलत हो जाता चीज़ें। और ये जो भी बोलोगे हाँ, जो भी बोलोगे ये हाँ बोलना कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप जो भी बोलोगे हाँ बोलते हो तो बहुत ईजीली वो काम हो जाता है। तो ये इनके बारे में बहुत अच्छा है कि वो जो भी बोलोगे एक्सेप्ट कर लेती है, और ये थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाती है लेकिन वो फिर बाद में पता चलता है कि वो सही था एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम करने के लिए। ओके, लास्टली नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके लिए, मतलब नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट? नेक्स्ट बहुत सारा प्रोजेक्ट लाइनअप हो रहा है अभी, थोड़ा जैसे कि और एक ब्रांड का शूट है हमारा, वो कुछ दिन के बाद होगा। फिर हमारा वेब सीरीज़ का जो चल रहा है उसका फाइनल हो जाएगा, अभी फिलहाल स्टार्ट हो जाएगा। और कैलेंडर का एक है वो आपको दो दिन के बाद पता चलेगा, और एक कैलेंडर लॉन्च हो रहा है 14th को, वो आपको पता चल जाएगा उस दिन। एडिटोरियल कैलेंडर है वो अलग ही है, मैं आज फोरकास्ट कर लेता हूँ। उसका जो है उसका नाम है शेड्स ऑफ सी। शेड्स ऑफ सी एक औरत की, एक नारी की कितनी शेड्स हो सकती है, ये उसका कैलेंडर का थीम है। तो आप थैंक यू सो मच।